आपके पास आ रहे हैं, तो आपके साथ जो सहयोगी मौजूद हैं, जो तमाम आपके मित्र पत्रकार साथी मौजूद हैं, उन सभी का ये मानना है कि बीकानेर में तीन तीन एक की स्थिति बन रही है या रिपीट हो रही है? बिल्कुल बात कर लेते हैं। बीकानेर में पत्रकारों की राजनीति के चाणक्य नीरज जोशी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मैंने गलत तो नहीं कहा आपको? और इस राजनीति जो अब पॉलिटिकल राजनीति है, इसमें आपका सीनियरियो क्या कहता है नीरज जी? मैं भाजपा की एक सीट मानता हूं और एक सीट को माकपा की मानता हूं जो डूंगरगढ़ में है। और आप पांच सीटें कांग्रेस को? पांच सीटें कांग्रेस को दे रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि जो साइलेंट वोटर है वो अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं उससे बहुत प्रभावित है, और वो जो साइलेंट वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। उनको आगे पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लोगों को अपनी हित की पड़ी है। ओपीएस का जो मामला हो, चाहे सोशल इंजीनियरिंग, जितनी भी सोशल जो सिक्योरिटीज की जो योजनाएं अशोक गहलोत सरकार ने दी हैं, और जो कांग्रेस का ऊपर लेवल से राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर जो मैसेज चले आ रहे हैं आगे आगामी जो है एक अच्छी सरकार देने के, मुझे लगता है कि लोगों के मन में वो बात जाएगी। और इससे कांग्रेस के चाहे भले ही एंटी इनकम्बेंसी हो, एमएलए के खिलाफ हो, परंतु मुझे लगता है कि लोग अपना हित देखेंगे तो वो वोट जो है कांग्रेस को जाएगा। मैं इसलिए मानता हूं कि पांच सीटें कांग्रेस को मिलेगी। एक पूर्व की जो सीट है बीकानेर बीजेपी की, वो इसलिए मानता हूं कि वो लोग श्रद्धा रखते हैं जो महाराज गंगा सिंह जी की वजह से, वो मैं सीट इनकी श्योर मानता हूं। उसमें मैं किसी भी तरह की ना तो टक्कर मानता हूं ना मानता हूं, वो सीट श्योर है। जो दिया कुमार क्या नाम सिद्धि कुमारी जी की सीट है वो मुझे श्योर लगती है क्योंकि एक श्रद्धा भी उसमें बहुत, रहती है। बहुत बहुत अलग हटकर अनुमान देखो नीरज जोशी का निकल कर आया है। बीकानेर पश्चिम जो इस बार हॉट सीट बनती हुई आ रही है, डॉक्टर बीडी कल्ला कांग्रेस के कद्दावर मंत्री वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब पत्रकारों की जो भी प्रतिक्रिया आ रही है उनसे इतर नीरज जी भाई साहब की प्रतिक्रिया थोड़ी सी अलग थी। अब बहुत सीटें दे रहे हैं कांग्रेस को, पुनर्विचार किया आपने? देखिए सब लोगों की राय जो है वो कह रही है बीजेपी एज पर है, आप अभी तक कांग्रेस को यहां पर छह सीटें दे रहे हैं। देखिए जो कांग्रेस के मुखिया अगर मान के चले राजस्थान में अशोक गहलोत, वो 156 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं, उनकी भी छाती देखिए आप, वो 156 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं, तो हमें कम से कम उनका थोड़ा सम्मान तो करना ही चाहिए। पर मैं ये मानता हूं कि वो एक अच्छी मेजोरिटी में वो सरकार बनाएंगे और लोगों को जो योजनाएं हैं ना वो काम करेगी, मुझे ऐसा लगता है। और मेरी मान्यता, टैबलेट लैपटॉप फोन घर में आपके भी आए होंगे, इसका मतलब? अभी तक आए नहीं है, अभी तक आए नहीं है, कुछ पेंडिंग भी है, हमारे भी पेंडिंग है। पर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं लोगों तक पहुंची है चीजें। और अशोक गहलोत की आप पब्लिसिटी देखिए ना, कब से शुरू हो चुकी है, बीजेपी इसमें बहुत पीछे है, बीजेपी प्रचार में बहुत पीछे रही है। अशोक गहलोत ने पब्लिसिटी और योजनाओं की ये बात कर रहे हैं। ब्रजमोहन जी, 2008 में भी तो बहुत अच्छी स्कीम्स थी, 13 में भी थी, क्या लगता है आपको? नीरज जी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस इस तरह से प्रदर्शन करेगी, मुझे नहीं लगता, मेरा आकलन है, इनका अपना आकलन है, इनका सम्मान है आकलन का।